हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के आने वाले टारगेट्स। दोस्तों, क्या हमें HAL का स्टॉक 4000 रुपीस को टच करता नजर आ सकता है या फिर स्टॉक के अंदर हम गिरावट नज़र करेंगे? दोस्तों, स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.24% की तेज़ी दर्शाई और 3822.40 रुपीस के ऊपर अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3833 रुपीस का हायर प्राइस भी दर्शाया था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। तो दोस्तों, ये है अवली चार्ट फ्रेम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक का। जैसे कि हमने कल के एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया था कि स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में 3800 रुपीस के एक इनपॉइंट रेजिस्टेंस को टच करता हमें नज़र आ सकता है, और दोस्तों स्टॉक ने हूबहू दर्शा। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने 3800 के एक इनपॉइंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और लगभग 3831 रुपीस के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें स्टॉक 3845 और उसके बाद 3865 रुपीस तक आगे बढ़ता नज़र आ सकता है। दोस्तों, 3865 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक के अंदर हम अच्छी खासी तेज़ी नज़र कर सकते हैं, और जो कि हमें स्टॉक लगभग 3900 के लेवल्स को टच करता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो दोस्तों, 3800 के इनपॉइंट सपोर्ट को स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में यदि ना ब्रेक करे तो हमें स्टॉक 3840 और 3865 रुपीस तक के टारगेट्स बनाता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो दोस्तों, ये था टारगेट एनालिसिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। ऐसे ही टारगेट एनालिसिस के वीडियोज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को, जहाँ पर हम लाते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस के वीडियोज़। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।